एक और फितना एक खास हिस्से से उठा है, लेकिन एक आरजी महरम और अबदी महरम में फर्क कर दिया उन्होंने। आरजी महरम क्या है? साली जो है वो आरजी महरम हो गई। क्यों? कि जब तक उसकी बहन जिंदा है जो आपकी निकाह में है, आपकी शादी साली से तो नहीं हो सकती, तो जिससे शादी नहीं हो सकती वो महरम हो गए, तो ये आरजी महरम है। हां, अगर आपकी जौजा फौत हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है, ये आरजी इस वजह से है, फिर वो नामहरम हो जाएंगे। तो इस एतबार से ये एक फितना है जो इस दौर में उठा है। महरम कोई आरजी नहीं होता, महरम वही है जो अबदी महरम। देखिए, देवर जबकि उसका शौहर अभी जिंदा हो तो देवर से पर्दा करेगी कि नहीं? शादी तो नहीं हो सकती। हां, भाई मर जाए तो शादी हो सकती। इसको उन्होंने कह दिया ये आरजी महरम। इसी तरीके से भाभी जबकि भाई अभी जिंदा है, पर्दा नहीं, वो शादी नहीं हो सकती। भाई फौत हो जाए शादी हो सकती, आरजी हो। ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा फितना है। महरम वही है कि जो अबदी महरम है, मुहर्रम है, कि उस पर हराम है उस पर निकाह होना हर हालत के अंदर। और जहां तक ये रिश्ते हैं बारीक, साली और देवर, इसके बारे में तो हुजूर से पूछा गया, देवर के बारे में तो आपने फरमाया अलहम वो मौत, देवर तो मौत है। अब आप सोचिए, हमारे यहां को पर्दा है देवरों से, को पर्दा है सालियों से, को पर्दा है नंदोनियों से, अलहम वो मौत, मौत क्यों? ये देवर हिंदी का लफ्ज है, देवर के बारे में तो तसव्वुर ये था कि ये दूसरा शौहर है, वर वर है, देवर दूसरा शौहर। हुजूर ने फरमाया अलहम वो मौत, देवर तो मौत है, मौत के दर्जे में। एक और बात नोट कीजिए, एक ख्याल किया है जाहिर, और इसमें अफसोस है कि बाद लोग जो पर्दे के बड़े हामी हैं, बड़े शदीद हामी हैं, एक साहब वो भी हैं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी किताब पर्दे पर लिखी और बड़ी अजीम किताब थी, एक दूसरे भी हैं जिन्होंने छोटी लिखी लेकिन अच्छी किताब लिखी, लेकिन ये दोनों एक जगह आकर मार खा गए कि ये जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हालांकि फलसफा समझ लीजिए अच्छी तरह, जो करीबी रिश्तेदार होंगे कजिन्स हैं, अब कजिन्स का ईसाइयों के यहां शादी नहीं हो सकती, कजिन्स जो है जैसे सगे भाई से शादी नहीं हो सकती, कजिन्स से भी नहीं हो सकती, उनका तो मामला और हो जाएगा। हमारे यहां तो शादी हो सकती, चचाजाद हो, मामूजाद हो, खालाजाद हो, शादी हो सकती। इस एतबार से जिनसे जितने ज्यादा रब्त का मामला है उतना ही अंदेशा ज्यादा है। एक औरत ने किसी को रास्ता चलते हुए एक मर्द को देखा, फर्ज कीजिए कि उसकी निगाह के अंदर कोई वो खुब गया किसी वजह से, मर्दाना वजाहत उसे अच्छी लगी, ये फिर तो उसे मिलना है नहीं, देखना है, वो तो रास्ते का मामला था, आया गया खत्म हो जाएंगे। जो घर में आ जा रहे हो उनसे तो ज्यादा पर्दे की जरूरत है, कॉन्टेक्ट के मौके ज्यादा है, बात शुरू होगी बढ़ती चली जाएगी कॉन्टेक्ट की वजह से। अच्छा, इसी में एक बात देखिए, कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी तो फिर मर्दों का भी पर्दा होना चाहिए। नहीं, औरत का मर्द को देखना कुछ और है, मर्द का औरत को देखना कुछ और है। मर्द की फितरत में गुरे इकदाम है, आगे बढ़कर कुछ है हासिल करना, औरत की फितरत में बल्कि उसका हुस्न इसमें है गुरेज, पीछे हटना। ज्यादा पर्दा औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी मर्द से एक राबते का मामला ज्यादा होने का इम्कान हो तो नाबीना से भी पर्दा है। वो मैं आपको हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, इतने में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया एहतजबा मिन हो, इनसे पर्दा करो। अजवाज ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैसा आमा ला युबसिरुना वला यारिफुना, हुजूर क्या ये अंधे नहीं है?
یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمدایان انتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تم سرا نہیں, کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں, ذالک بعد ان امر بالحجاب, یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا, تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا, اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے, اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا, کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں, یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی اندرو الیہ, میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے, البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں, عورت جا رہی ہے, کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے, تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, جن کا آنا جانا زیادہ ہے, ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے, کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں, یا دیکھے گی کہ نہیں.